नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक वर्मा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्विफ्ट हब के एक और iOS ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टोस्ट अलर्ट कैसे यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्विफ्ट हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट iOS ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए। अपना एक्सकोड ओपन कीजिए। क्रिएट अ न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट, सिंगल व्यू ऐप, क्लिक नेक्स्ट। एंटर प्रोडक्ट नेम, हाउ टू यूज टोस्ट, लैंग्वेज स्विफ्ट, क्लिक नेक्स्ट एंड क्रिएट। अब अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये टोस्ट फाइल्स हैं। इसमें 5 फाइल्स हैं, टोस्ट टोस्ट सेंटर, टोस्टर डॉट टच, टोस्ट व्यू डॉट स्विफ्ट, टोस्ट विंडो डॉट स्विफ्ट। ये फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, सारी फाइल सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में एम्बेड कर देनी है। क्रिएट फोल्डर रेफरेंस, कॉपी आइटम इफ नीडेड क्लिक करके फिनिश कर देना है आपने। ये 5 फाइल्स आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। 5 फाइल को सिलेक्ट करके आपने इसको एक फोल्डर में डाल देना है। लाइक मैंने एक फोल्डर बनाया टोस्ट के नाम का, उसमें मैंने 5 फाइलें डाल दी। उसके बाद मैं विंडो स्टोरीबोर्ड पे एक बटन लगाऊंगा जिसके क्लिक पे टोस्ट आपको शो करेगा। मैं अपने एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो ये व्यू कंट्रोलर है, इस पर मैं बटन ऐड कर रहा हूँ। मेरा बटन, इसका नेम रखता हूँ ओपन टोस्ट। इसे कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ मैं, विड्थ हाइट हॉरिजॉन्टली इन कंटेनर, वर्टिकली इन कंटेनर। तो अब इसका आईवी आउटलेट क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू व्यू कंट्रोलर क्लास, नेम इज ओपन टोस्ट, कनेक्शन इज एक्शन एंड कनेक्ट। क्लोज असिस्टेंट एडिटर, गो टू व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट, गो टू ओपन टोस्ट फंक्शन इन साइट, एंटर हेयर टोस्ट। जो भी आपने इसमें टाइटल लिखना, टाइटल लिख सकते हैं आप। मैं लिख नो नेटवर्क फाउंड। डिले आपने डालना है डाल सकते हैं, मैंने नहीं डालना, मैंने इसलिए डिले 0 कर दिया। ड्यूरेशन मैंने 5 सेकंड कर दी। उसके डॉट मैंने यहाँ लिख दिया शो। अब इतनी लाइन कोड लिखने के बाद आपने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। वन बार मैंने सिमुलेटर सेलेक्ट किया अपना iPhone 10 एंड प्ले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों, वैसे बहुत सिंपल है, सिंपल लाइंस में है। अगर आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको कस्टमाइज़ करना बताऊँगा कैसे कस्टमाइज़ करते हैं टोस्ट को। ये रहा सिमुलेटर, ओपन टोस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, नीचे टोस्ट आ गया है नो नेटवर्क फाउंड का। अभी से मैं कस्टमाइज़ करना बताऊँगा आपको कि टोस्ट को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में वापस जाइए। तो इसके बाद आप लिखिए लेट अपीरियंस इज इक्वल टू टोस्ट व्यू डॉट अपीरियंस, अपीरियंस डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू UI कलर डॉट ब्लू। ये वो लाइन है जो कि आपके टोस्ट के बैकग्राउंड का कलर सेट करेगी। इसके बाद मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जो टेक्स्ट ऊपर आ रहा है उसके अपीरियंस डॉट टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू UI कलर डॉट वाइट। ये वो लाइन है जो टेक्स्ट आ रहा है लिखा हुआ मैसेज, उसका कलर चेंज करने के लिए। इसके बाद अपीरियंस, अपीरियंस डॉट फॉन्ट इज इक्वल टू UI फॉन्ट डॉट बोल्ड सिस्टम फॉन्ट साइज इज 14, अपीरियंस डॉट कॉर्नर रेडियस इज इक्वल टू 14। ये लाइन है कॉर्नर रेडियस के लिए, जो उसके कॉर्नर के रेडियस हैं, और ये लाइन है उसका फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद अपना प्रोजेक्ट में दोबारा से रन करता हूँ। मैंने कमांड आर क्लिक किया एंड दोबारा से
रन कर दिया अपने प्रोजेक्ट को, तो बिल्ड सक्सीड हो गया है, ये प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है, लोड हो गया। तो ओपन टोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, टेक्स्ट कलर वाइट हो गया है और टेक्स्ट थोड़ा आगे से बड़ा भी हो गया है। इसे आप और भी इंक्रीज भी कर सकते हैं, करके देखते हैं एक बार। अभी 14 साइज़ है, 20 साइज़ करते हैं, दोबारा से रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो देखिए दोस्तों टेक्स्ट बड़ा हो गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्विफ्ट हब iOS ट्यूटोरियल्स, आई होप यू एंजॉय इट। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।